सो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे वैक्सीन के बारे में बताने वाले हैं जो आप तक आज तक नहीं जाने होंगे, या फिर आप जान जाइए अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं या फिर विदेश में आप काम करने जाना चाहते हैं तो आपको इस वैक्सीन को लगाए बिना आप वहां पर एयरपोर्ट के बाहर नहीं जा पाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको उस सभी देशों के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा जिन देशों में इस वैक्सीन को लगाए बिना आपको एंट्री नहीं मिलेगी। इसी के साथ साथ आपको उन हॉस्पिटल्स की डिटेल्स भी आपको मिल जाएंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है आपको, कि जो भी आप हमारे इंडिया के अंदर जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें ये वैक्सीन सर्टिफिकेट जैसे लगती है, आप आसानी से जाकर वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल में बताएंगे कि इसकी अपॉइंटमेंट आप किस तरह से उन हॉस्पिटल्स में बुक कर सकते हैं और वहाँ पर जाने के बाद आपको वैक्सीन लगाने को मिलेगा। अगर आपका अपॉइंटमेंट बुक रहेगा उसी के साथ साथ उसमें पेमेंट भी कटानी पड़ती है। तो इन सभी चीज़ों को हम बारीकी से इस वीडियो में कंप्लीट बताने वाले हैं, तो वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ इस वैक्सीन सर्टिफिकेट को हम पेमेंट के साथ साथ इसको किस तरह से हम बाद में चेक कर सकते हैं या फिर इसका कैंसिलेशन कैसे हम कर सकते हैं, ये दोनों वीडियोज़ है जो इस वीडियो के बाद आपको अगले दिन या फिर उसके बाद में आपको मेरे चैनल पे आई लिंक पे या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में इन वीडियोस की लिंक मिल जाएंगी, तो उनको भी आप आसानी से जाकर देख लीजिएगा। तो हम सारी प्रोसेस अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर करने वाले हैं, आप सेम प्रोसेस अपने मोबाइल पर भी कर सकते हैं। अगर आपके पास दोनों अवेलेबल है तो आप जो भी चाहेंगे उस पर आसानी से आप कर पाएंगे। तो सिंपल हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं और आपको बारीकी से बताते हैं कि किस तरह से येलो फीवर वैक्सीन आपको लिए अपॉइंटमेंट किस तरह से बुक कर सकते हैं। तो हम अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर आ चुके हैं और सिंपल यहाँ पर ORS पोर्टल करके आप सर्च करेंगे तो आपको दो ऑप्शंस मिल जाएगा। नीचे एक ORS पेशेंट पोर्टल आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर ले जाएगा। अगर आप ऊपर वाले पे क्लिक करेंगे तो सीधे आप नी अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आप उस वेबसाइट में चले जाएंगे। इन दोनों की जो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है, वीडियो आप पहले कंप्लीट वॉच कर लीजिए, समझ लीजिए कैसे करना है कैसे नहीं, कोई गलती ना हो इसलिए आप कंप्लीट वीडियो को वॉच करने के बाद आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में आसानी से वहाँ से आप बाकी की प्रोसेस आप करने लगेंगे। तो सिंपल आपको नी अपॉइंटमेंट ORS पेशेंट पोर्टल पर क्लिक कर लेना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पर आप आ जाएंगे डायरेक्ट और न्यू अपॉइंटमेंट यहाँ पर वेरीफाई योर सेल्फ यूजिंग मोबाइल नंबर, प्लीज इंटर 10 डिजिट आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर इंटर करना है। तो आपको जो यहाँ पर 5 स्टेप्स में अपॉइंटमेंट आपकी बुक हो जाएगी, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं वेरीफाई योर सेल्फ यूजिंग मोबाइल नंबर, चूज योर हॉस्पिटल डिपार्टमेंट, सेलेक्ट डेट एंड अपॉइंटमेंट, वेरीफाई योर सेल्फ यूजिंग आधार नंबर। आपके पास आधार रहेगा फिर भी नहीं रहेगा तो भी आप आसानी से मैनुअली भर सकते हैं। गेट कंफर्मेशन मैसेज, आपके पास आधार रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो सिंपल हम डायरेक्ट चलते हैं यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल लेते हैं। डालने के बाद आपको कैप्चा यहाँ पर दिख रहा है, उस कैप्चा को सेम फिल कर लीजिएगा। जैसे सेम फिल कर लेंगे आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर एक OTP आएगी, आपका जो भी मोबाइल नंबर आप दे रहे हैं उस मोबाइल नंबर पे, तो आपको उस OTP को यहाँ पर फिल करके प्रोसेस पे क्लिक कर देना है। जैसे प्रोसेस पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पर आ जाएंगे इस तरह से। आपका डिटेल्स आप आधार से लेना चाहते हैं, आपके पास आधार नहीं है या फिर ऑलरेडी रजिस्टर्ड पेशेंट है, जैसे पहले से ही आपने अपॉइंटमेंट कभी ली होगी, रजिस्ट्रेशन आपका होगा तो उस पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर आपका जो भी होगा उसको चेक भी कर सकते हैं अपना, जैसे पहले से रजिस्ट्रेशन हो तो। आप सिंपल आपका आधार से ही लेंगे तो बेटर रहेगा, वहाँ पे कुछ डिटेल्स आपको फिल मिलेंगी, फ़ोटोज़ वगैरह सारी चीज़ें अपलोड मिलेंगी। तो सिंपल आई हैव आधार करके आपको आगे बढ़ जाना, नहीं है तो आप मैनुअली फिल कर सकते हैं। तो सिंपल हम आई हैव आधार पे क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद स्टेट वाइज यहाँ पर आपको जो कि डिपार्टमेंट और आपका हॉस्पिटल चूज़ करना है, तो सिंपल आप इस तरह से सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जो भी आपके नियर में आता होगा, तो सिंपल हम यहाँ पर दिल्ली का अपॉइंटमेंट बुक कर रहे हैं तो सिंपल उस पर क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे यहाँ पर डिपार्टमेंट्स देखने को मिल जा रहे हैं, तो आप येलो फीवर अगर लगवाना चाहते हैं तो आप वहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। और जैसे हमने येलो फीवर पर क्लिक किया, यहाँ पर पेशेंट मस्ट कैरी पासपोर्ट, मतलब आपको पासपोर्ट लेकर जाना अनिवार्य है, अगर आप नहीं जाते हैं तो आपकी वैक्सीन सर्टिफिकेट नहीं लगेगी, वैक्सीन नहीं लगेगी। तो सिंपल यहाँ पर और भी मेक ऑनलाइन पेमेंट बाय यूजिंग
यहाँ पर इस वेबसाइट से आपको पेमेंट करना है 12 घंटे पहले, तो आप अभी भी कर सकते हैं, उसके 12 घंटे पहले भी कर सकते हैं, मतलब कि आपको कंपलसरी है। तो आपको ये पेमेंट भी कैसे करना है इसकी वीडियो में यहाँ पर चैनल पर चेक कर सकते हैं, मैंने बनाई हुई है, सो आप जाकर देख लीजिएगा। उसका वीडियो लिंक आई लिंक पे आपको मिल जाएगी, आप इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो सिंपल करने के बाद प्रोसेस पे क्लिक कर देना है। तो जैसे प्रोसेस पे क्लिक करेंगे, इस तरह से आपको यहाँ पर आपका जो कि डेट सेलेक्ट करने के लिए आएगा। तो इस तरह से आने के बाद डिपार्टमेंट आपको सेलेक्ट कर लिए, इसके बाद आपको यहाँ पर अवेलेबल, यहाँ पर प्रीव डे, यहाँ पर जो कि पिछला डेट अवेलेबल आपको ग्रीन में रहेगा, नॉट अवेलेबल इस तरह से रहेगा, और हॉलीडे रहेगा तो पीला रहेगा। तो सिंपल आपको यहाँ से नेक्स्ट कर लेना है, जैसे कि अगले मंथ में चला जाएगा। और यहाँ पर देख पा रहे हैं कुछ डेट्स अवेलेबल है, कुछ डेट्स नहीं है, तो सिंपल जो अवेलेबल है डेट उस पर क्लिक करके आपको यहाँ पे सेलेक्ट अपॉइंटमेंट डेट यहाँ पर प्रोसेस पे क्लिक कर देना है, जो भी डेट आपके अकॉर्डिंग अवेलेबल होगी। तो सिंपल यहाँ पे प्रोसेस पे क्लिक जैसे ही कर देंगे आप, तो यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर आपको वेरीफाई यूजिंग आधार नंबर आपको डाल लेना है। तो यहाँ पर जैसे ही आप आधार नंबर अपना डालेंगे तो उस पर भी एक ओटीपी जाएगी, उस ओटीपी को फिल कर लेना है जैसा सेम रहेगा वैसे। और यहाँ पर कैप्चा डाल लेना है, कैप्चा डालने के बाद सिंपल यहाँ पर प्रोसेस पे क्लिक कर देना है। जैसे प्रोसेस पे क्लिक करेंगे आप आगे की यहाँ पर डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे आपको यहाँ पर आपका हॉस्पिटल नेम, अपॉइंटमेंट डेट आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर क्लिनिक में येलो फीवर लगाने के लिए डिपार्टमेंट येलो फीवर मोबाइल नंबर आप देख पा रहे होंगे। तो सिंपल आपको यहाँ पे बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक कर देना है। डू यू वांट टू कंफर्म योर अपॉइंटमेंट, तो बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक कर देना है, या शेड्यूल आपको करना है तो शेड्यूल पे क्लिक कर सकते हैं, शेड्यूल इसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे कंफर्म अपॉइंटमेंट करने के बाद प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा, आप आसानी से उसे प्रिंट कर लीजिएगा। तो मैं फिर से इसको नहीं दिखा रहा हूँ या बुक नहीं करने वाला हूँ, बट ये इसे मेन प्रोसेस है आपको करने का, सिंपल कर लीजिएगा। इसके बाद पेमेंट की वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में और आपको लास्ट में भी मिल जाएगी, आई लिंक पे भी मिल जाएगी, आसानी से आप जाकर वहाँ से कर लीजिएगा। अगर आपको मोबाइल की वीडियो चाहिए होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और इसके रिगार्डिंग या कोई भी आपको इशू है या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझे पूछ सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप देखकर आसानी से समझ चुके होंगे कि किस तरह से आप येलो फीवर वैक्सीन लगाने के लिए अपॉइंटमेंट जो बुक करनी होती है वो आप बुक करना जान चुके होंगे। सो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ साथ अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद वहाँ पर आपको पेमेंट भी कटाना होता है अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद, तो आप किस तरह से करेंगे तो उस वीडियो की लिंक आपको आई लिंक पे और आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उस वीडियो को भी जाकर देख लीजिएगा। आप अगर पेमेंट नहीं कटाएंगे तो आपको वहां पर अपॉइंटमेंट बुक होने के बावजूद भी आपको वहां पर वैक्सीन आपकी नहीं लगेगी। सो पेमेंट की वीडियोस आप जरूर जाकर देख लीजिएगा। इसी के साथ साथ अगर आपको जैसे अपॉइंटमेंट आपने बुक कर ली और उसको आप चेक करना चाहते हैं या फिर उसको कैंसिल करना चाहते हैं तो आप किस तरह से करेंगे, इसकी वीडियो भी आपको आई लिंक पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सो आप जाकर देख लीजिएगा। सो येलो फीवर वैक्सीन अपॉइंटमेंट बुकिंग से रिलेटेड और भी अगर आपको कोई क्वेश्चन होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप ये वीडियो आप जाकर देख लीजिएगा। अगले किसी वीडियो में मिलते हैं, तब तक थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।